सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में देश के मुसलमानों को लेकर अपने सांसदों को दिया बड़ा आदेश। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार अब नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण के लिए नई यात्रा शुरू करेगी। बता दें, नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नव निर्वाचित सांसदों से बिना भेदभाव के काम करने को भी कहा। बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद अपने करीब 75 मिनट के भाषण में मोदी ने अल्पसंख्यकों का भी विश्वास जीतने की जरूरत बताते हुए कई बातें कही। बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन संसद के सेंट्रल हॉल में किया गया था। मोदी ने अपने संबोधन में अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें देश आजाद होने के बाद से हमेशा छला ही गया है, जिसे अब भविष्य में किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ वोट बैंक की राजनीति को अंजाम दिया गया है। जैसे इस देश में राजनीतिक पार्टियों ने गरीबों को छला, वैसे ही कुछ अल्पसंख्यकों के साथ भी हुआ। यह दुर्भाग्य रहा कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ छलावा कर उन्हें भ्रमित और डरा कर रखा गया। कभी भी उनके स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों की चिंता नहीं की गई। मोदी ने सांसदों को कहा कि अब मैं आप सभी से यह उम्मीद करता हूं कि हमें इस छल को खत्म करना है और उन लोगों का पूरा विश्वास जीतना है। इस दौरान मोदी ने कहा कि लोगों ने हम पर विश्वास किया है, यही कारण है कि हम फिर से सत्ता में आए हैं। लोगों ने इसलिए वोट किया क्योंकि वे हमारी सरकार को लाना चाहते थे। इसी सकारात्मक सोच ने इतना बड़ा जनादेश दिया है। आपको बता दें, मोदी के इस भाषण के मायने क्या है, इसे लेकर बीबीसी से बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी ने कहा कि मोदी मानते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ छल हुआ है। जोशी ने आगे कहा कि उनका यह कहने के पीछे यह वजह हो सकती है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि देश के मुसलमानों के मन में किसी चीज को लेकर कोई कुंठा न रहे। उन्होंने यह एक सकारात्मक बात कही है। वहीं इस दौरान मोदी ने अपने सांसदों और विधायकों और कार्यकर्ताओं को अहंकार में नहीं आने की नसीहत भी दी है। आपकी नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।